एब्स वी अप्स, एब्स वी अप्स आपके लोअर एब्स और अपर एब्स दोनों को ग्रैब करता है, दोनों को ग्रैब करता है और ये साइड्स को खींच के बाहर को निकालता है। वेरी वेरी इफेक्टिव। बट एक्सरसाइज करना मायने नहीं रखता, एक्सरसाइज सही करना मायने रखता है। अगर सही तरीके से करेंगे तो एक्सरसाइज का पैटर्न समझ आएगा आपको। अगर पैटर्न समझ आ गया तो आपके मसल्स पर डायरेक्ट हिट होगा। फिर आप चाहे 20 ही लगाएं, चाहे 30 लगाएं, चाहे 10 लगाएं, आपके मसल्स को डायरेक्ट हिट होगा। पोजीशन सही नहीं है, मूवमेंट सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप सो रहे हैं। ओके, तो एब्स वी अप्स का बेसिकली क्या है कि एब्स वी अप्स ये हमारी लेग्स है, लेग्स को लेग रेज करना और अपर बॉडी को अपर को अप को मतलब कंज्यूम करना ऊपर को। ओके, अपर बॉडी और लोअर बॉडी जब दोनों ऊपर आएंगे उसे बोलते हैं एब्स वी अप्स। इट्स लाइक ए वी, वी बनाना, वी अपर बॉडी उठानी है और लोअर बॉडी को ऊपर उठाना है। ओके, इसकी पोजीशन एक बार देख लेते हैं। एब्स वी अप्स में भी वही, सबसे पहले कोई भी आप करेंसी से लगा रहे हैं, चिन आपकी चेस्ट को टच नहीं होनी चाहिए। ओके, चिन और चेस्ट में 4 से 5 इंच का डिफरेंस रखें, ऊपर रखें, जितना ऊपर रखेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव आएगा। और एब्स वी अप्स ये लेग रेज, जैसे मैंने बताया लेग रेज भी करना और साथ में अपर बॉडी को भी स्विच करना, लेकिन अपर बॉडी को यहां से स्विच नहीं करना, ऑल द वे बैक, ऑल द वे अप। ये बाजू पूरी पीछे जानी चाहिए और पूरी ऊपर आनी चाहिए, हाफ में नहीं करेगी, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए धीरे स्लोली ऑल द वे बैक गए, लेग्स भी नीचे और जमीन को छूने से 1 इंच या 2 इंच ऊपर आप इसको दोबारा पोजीशन पर ले आए। ये देखिए ब्रीद आउट, जब भी आप ऊपर आए ब्रीद आउट। ये देखिए वी बन रहा है ना, वी एब्स वी अप्स, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एब्स वी अप्स। ये बहुत स्ट्रांगली हिट करता है और मिनिमम 20 या 25 मिनिमम क्रंचेस लगाएंगे। 25 क्रंचेस के आप कम से कम 4 सेट लगाएंगे तो जाकर आपके बनेंगे 2500। 100 करेंगे तो इफेक्ट आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग आप 2 सेट से करें, 25-25 के 2 सेट, तो उसको रूटीन के हिसाब से बढ़ाते रहें।